राणा दंपति दिल्ली में डटे हुए हैं। यहां उन्होंने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पैदल यात्रा निकालकर कनॉट पैलेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और करप्शन की लंका के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोलने की बात कही। दरअसल पिछले महीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में वो 5 मई को जेल से बाहर आई। अब उन्होंने दिल्ली में आज हनुमान चालीसा का पाठ किया है। अब करप्शन के विरुद्ध में युद्ध लड़ूंगी और उद्धव ठाकरे ये पूरा करप्शन की लंका लेके महाराष्ट्र में है, तो इस करप्शन लंका के विरुद्ध में अब युद्ध होगा। मुझे लगता है वो हिंदुत्व विरोधी उद्धव ठाकरे हैं। अगर थोड़ी भी विचारधारा अभी भी हिंदू की बाकी होगी तो आज वो अपनी रैली में हनुमान चालीसा पढ़कर वो शुरुआत करेंगे, नहीं तो हम तो युद्ध के मैदान में उतर ही गए हैं। और पूरी करप्शन की जो लंका उनकी बीएमसी के माध्यम से और महाराष्ट्र में चल रही है उसके विरोध में हम लड़ेंगे। है कि भगवा पहन कर ये कोई मैसेज नहीं, ये मेरे धर्म का प्रचार प्रसार है। मेरी पीढ़ी ने पहले भी किया है, हम भी करेंगे और मेरी आने वाली पीढ़ी भी करेगी। हनुमान चालीसा पढ़ना अगर महाराष्ट्र में गुनाह है, उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं, तो उन्हें मुझे सब हिंदुओं की तरफ से सवाल है, जो हिंदुत्व को हिंदू हूँ करके उनको बताने की जरूरत है। आज की जो रैली है उसके अंदर वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे क्या और पढ़ के रैली की शुरुआत करेंगे क्या? और जो औरंगजेब के कब्र के ऊपर जिन्होंने फूल बरसा है उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे? और आने वाले समय में कौन गदाधारी है और कौन घंटाधारी है ये उद्धव ठाकरे को जनता सबक सिखाएंगी, क्योंकि हनुमान चालीसा को लेके जिस तरह से हमारे पे कार्रवाई हुई और औरंगजेब के कब्र पे फूल डालने वाले पे कार्रवाई होती नहीं, ये हिंदुत्व को उद्धव ठाकरे भूल चुके हैं, बाला साहब के विचारों को भूल चुके हैं। मोदी जी का नाम लेके उन्होंने सत्ता लाई और मोदी जी के साथ ही विश्वासघात।